साथियों, लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी से मुक्ति इतना नहीं है और इलाज तक भी सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। जिस देश की आबादी, जिस देश के लोग, पुरुष हो, स्त्री हो, शहर के हो, गांव को हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, नौजवान हो, बच्चे हो, वो जितने ज्यादा स्वस्थ होते हैं उतना वो राष्ट्र भी समृद्ध होता है। उनकी ताकत बहुत उपयोगी होती है, देश को आगे बढ़ाने में, ऊर्जा बढ़ाने में काम आती है। इसलिए हमने इलाज की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर दिया है जो बीमारी की वजह बनती है। जब देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, जब देश में करोड़ों शौचालयों का निर्माण होता है, जब देश में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है, जब देश में आयुष्मान भारत योजना घर घर पहुंच रही है, मिशन इंद्रधनुष हो, पोषण अभियान चला, तो इसके पीछे यही सोच थी। हमने हेल्थ को लेकर टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्णता की सोच के साथ एक होलिस्टिक तरीके से काम किया। हमने योग को दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है और बड़े चाव से मना रही है, जी जान से मना रही है। आप देखिए कितने बड़े गर्व की बात होती है जब हमारे काढ़े, हमारे मसालों, हमारे आयुष के समाधानों की चर्चा करते हैं से पहले जो कभी हिचकते थे वो आज गर्व के साथ एक दूसरे को कहते हैं ये लीजिए। आजकल हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया है कि कोरोना के बाद दुनिया को लगा है भारत के पास तो बहुत कुछ है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन का लोहा मानने लगी है। हमारे यहां खाने में जो चीजें कभी बहुत उपयोगी होती थी जैसे रागी, कोरा, कोदा, जवार, बाजरा, ऐसे दर्जनों मोटे अनाजों की हमारे देश में समृद्ध परंपरा है। जब पिछली बार मैं कर्नाटका का मेरा प्रवास था तो हमारे वहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने मोटे अनाज का एक बहुत बड़ा शो रखा था और इतने प्रकार के मोटे अनाज जो छोटे छोटे किसान पैदा कर उसकी कितनी पौष्टिकता है, बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको प्रदर्शित किया था। लेकिन हम जानते हैं इन पौष्टिक अनाजों को देश में उतना प्रोत्साहन नहीं किया गया। एक प्रकार से ये तो गरीबों का है, ये तो जिसके पास पैसे नहीं वो खाता, ये मानसिकता बन गई थी। लेकिन आज अचानक स्थिति बदल गई है और स्थिति बदलने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। आज मोटे अनाजों को ना सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि अब भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की भी घोषित किया है। ये मोटा अनाज मिलेट्स पर फोकस से देश की पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी। और अब तो 5-स्टार होटल में भी लोग ऑर्डर करते समय कहते हैं कि हमें वो मोटे अनाज की फलानी चीज खानी है, धीरे धीरे, क्योंकि सबको लगने लगा है कि एक मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। और अब तो यूएन ने माना है, दुनिया ने माना है, 2023 में पूरी दुनिया एक वर्ष के रूप में उसको मनाने वाली है और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होने वाला है, क्योंकि मोटा अनाज वही पैदा होता है, वही लोग मेहनत करके निकालते हैं।